हाथ दर्द हो जाएगा तेरा, नहीं दर्द होगा, बहुत प्यारा बच्चा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, सुन रहे हैं आप रेडियो संस्कृति 91.2 FM, मैं हूँ आपका अपना जय। और आज का दिन बहुत है खास, विशेष, और विशेष इसलिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप अपने आप समझते चले जाएंगे, क्योंकि विशेषता बताने की जरूरत नहीं होती, विशेषता अपने आप में समझ में आ जाती है। और देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति की अगर बात करूँ मैं, तो भारतीय संस्कृति की पहचान 5 तत्वों से होती है, जो मेरा अपना मानना है। और ये 5 तत्वों को समझने के लिए जरूरत है अध्यात्म की तरफ जाना। अवस्थी जी, आज हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैंने जो सवाल किया है जी, जी पांडे जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन, साधुवाद और बहुत आशीर्वाद आपके इस रेडियो के द्वारा, इस माध्यम से जो लोग भी सुन रहे होंगे, जितने भी श्रोतागण हैं, उनका सबका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महादेव सब पर खूब कृपा करें, खूब आनंद लुटाएं। देखिए, पंच तत्व की जब आप बात करते हो ना, तो इसके अलावा दुनिया में कुछ और है नहीं, यहीं से शुरू है, यहीं से सब समाप्त है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो, श्रावण चल रहा है जी, तो आप स्पिरिचुअल होते हो तो आप भगवान की पूजा करेंगे। पांडे जी, किसकी पूजा करेंगे? भगवान की पूजा। भगवान में अक्षर हैं भा, ग, वा, आ और ना, 5 तत्व। कितने हुए? 5 तत्व हुए। तो अब देखो, इसमें जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर एक एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जी। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर। तो ये 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंचरचित अधम शरीरा। ये 5 तत्व का जो समावेश है ना, इसी में सब व्याप्त है। ज्योतिष के 9 ग्रह इसी 5 तत्व के स्वभाव से परिणित है। वास्तु का पूरा आलेख इसी 5 तत्व में है। वायु अच्छी आनी चाहिए, अग्नि तत्व का स्थान वास्तविक होना चाहिए, भूमि तत्व, आकाश तत्व, सब तत्वों का सही समावेश वास्तु है। सभी तत्वों का सही संग्रह ज्योतिष है। ये शरीर जो है ना, ये 5 तत्व से बना, ये संसार 5 तत्व से बना, ये जो भैया पंच देव हैं, पंच महाभूत हैं, पंच महाप्राण हैं, पंच देव हैं, ये तो 5 की संख्या है ना, इसमें सब समाहित है। 5 ही क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपके अगर अंग प्रत्यंगों का की हम चर्चा करें, तो आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। 5 हैं। आपके सुबह, दोपहर, शाम, त्रिदेव और 5 पहर है। अगर आप त्रिदेवों के आधार पर चिंतन करो, तो आपको ये पता लगता है कि त्रिदेव नहीं, पंचदेव हैं। जब आप महाज्ञान की, महाकाश की बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि पंचलोक है, सप्तलोकों में 2 उपलोक हैं, 5 प्रमुख लोक हैं। ये जो 5 की संख्या है, ये ऐसी संख्या है जिसको आप कभी भी डबल करने के बाद सिंगल डिजिट से ऊपर कभी जा नहीं पाते। आप कभी भी कोशिश करके देखिए, जब 5 × 10 करेंगे तो 5 फिर से वापस 1 पर आ जाएगा। ये माया की संख्या है, ये प्रवृत्ति की संख्या है। 5 से पहले किसी भी देवता का जन्म नहीं हुआ, पंचमी के पहले किसी देवता का जन्म नहीं हुआ, इसलिए 5 अष्टमी, नौमी, 5 के बाद ही माया प्रारंभ होती है, 5 के पहले तक तो ब्रह्म ज्ञान है। 5 मलान कितना बेहतरीन है, क्योंकि 5 की बात उठी है, इसलिए मैं 5 पे ही सवाल। 5 इसलिए क्योंकि 5 तक परम ज्ञान है, परम तत्व है, तत्व से समावेश तक ये वेदांग है। मतलब 5 से जैसे आप परम तत्व की तरफ बढ़ते हैं, तब आप षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, जिसमें षष्ठी अगेन रिक्तता की तिथि है, तो सप्तमी माया की तिथि है, अष्टमी संख्या की तिथि है, और नवमी पूर्ण ब्रह्मांग है। तो देखिए, सहयोग कितना बेहतरीन है कि इस बार 5 सोमवार भी है। 5 सोमवार है इस बार। ये आप ऐसे मान के चलो कि 1700 वर्ष बाद ऐसा संयोग, ऐसा नक्षत्र, ऐसा योग, ऐसा कर्ण आया है। वेद कहता है कि ये जो श्रावण है ना, ये सामान्य नहीं है। ये कहता है कि मातेव रक्षत पितेव हिते युनुते, या मातेव रक्षति पितेव हिते नियुते कांते वचा विरमयति चपनी वखेदं कीर्तिश्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी
किम किम न सा दयति कल्पलते विद्या। ये ऐसी भाषा, ऐसी व्यवस्था है, किसको क्या नहीं दे सकती। किम किम न साधयति कल्पलते विद्या, क्या नहीं मिल सकता। ये सोमवार के पांच जो ये पर्व मिल रहे हैं हमको, कहते हैं इसमें जो आप चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। विद्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, वर चाहिए, बच्चा चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन लाभ चाहिए, दुनिया का सारा सुख चाहिए, तुम्हें राजा बनना है, हाँ संभव हो सकता है जी। आपने पांच सोमवार की बात की, पांच से जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात कर, जैसे कि पांच 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 चल रहा था जी, लेकिन फिर बारह ज्योतिर्लिंग क्यों? अच्छा, ये प्रकल्पवत है, ये जो बारह की संख्या है ये प्रकल्प है। अगर आप धरती से सूर्य की दूरी निकालना चाहें, बारह महीना, बारह वर्षों का एक पंथ, एक आपका बचपना कब तक होता है? बारह सालों तक जी। लाड़ेत पंच वर्षाणि दस वर्षे न ताड़ेत तीयम तम वृद्धि स्यात्। जैसे आप 12 साल के होते हैं, वैसे बोले अब तो ये युवा हो गया, किशोरावस्था शुरू हो, तो अवस्था वाइज 12 के बाद आप परिवर्तित हो जाते हैं। 12 महीने, 12 राशियां, 12 घंटे, ये जो ना ये कल्प हैं, इनसे ही तो सारी गणना है। ये जो पूरा का पूरा गणना का क्रम है वो 12 से। सूर्य की दूरी निकालना हो तो 12 चाहिए, 12 चाहिए। आपको चंद्रमा की गति निकालना हो तो 12 की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नक्षत्रों का मान निकालना हो तो आपको 12 कल्प हैं। और ये इसलिए क्योंकि जितने भी युग हैं वो सब 12 से ही कन्वर्टेड हैं। 12,000, 12,00,000, 12 करोड़ वर्ष, महीना, दिन, जब आप गिनना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 कल्प, मतलब 1,000,00,000, करोड़, जितने भी आप आगे की संख्या, करोड़, लाख, अरब, अरब सब भूल जाइए। पहली संख्या क्या होगी? 12। कलयुग कितने वर्षों का? ये तो सतयुग कितने का, द्वापर कितने का, सब में प्रमुखता वाली संख्या, बाकी सब भूल जाइए। बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे तो जनरल लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 4.5 लाख वर्षों का है जहां तक मेरी जानकारी। 12,000 से शुरुआत होगी जी। जैसे ही आप 12 की संख्या चुकेंगे, उसके ये 4.5 लाख वर्ष जो आप कहते हो, ये एक्चुअली कल्पों के आधार पर देखोगे तो 4 × 3 = 12। फिर युग 4 में क्यों तब्दील है? कौन सा युग 4? अगेन फिर भाई 4 × 3 = 12। 4 × 3 = 12। जैसे ही आप देवताओं की बात करोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ उनका गुणागुणान करोगे तो आप 12 संख्या फिर से प्राप्त करोगे। जो कल्पतरु है, वो जो कल्प है, वो 12 ही है। 4.5 लाख वर्षों का कलयुग है। जैसे ही आप इसके गुणानखंड की बात करोगे, आप संवत्सरों की बात करोगे तो आपको पता चलेगा भैया ये गुणान 12 से ही मिला हुआ है हमसे। भृगु संहिता की बात करें या किसी भी उपनिषद की बात करें, वेद की बात करें, गीता की बात करें, या कोई भी ऐसी धार्मिक किताब जो सनातन धर्म को हम सबके सामने रखती है, सनातन धर्म क्या अंकों का खेल है? क्योंकि लगातार अंकों पे हम बातें कर रहे हैं जी। असल में क्या है कि अंक और शब्द ये दोनों एक दूसरे की पूर्णता का प्रतिबिंब है। सनातन जो धर्म है ना साहब, सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, ये नियति है। नियति है, हाँ जी। ये स्वभाव है, ये व्यक्तित्व है, ये निजता है, ये प्रमाण है, और ये रहनी है। सनातन किसी व्यवस्था का नाम नहीं है केवल। सनातन कोई धर्म नहीं है केवल। सनातन एक सोच है, एक विचार है। सनातन वेदों का अनुसरण है। तो सनातन केवल नंबरों पे, अक्षरों पे आधारित नहीं है। नंबर और अक्षर उस पे आधारित है। अनुसरण करने वाला सनातनी, अनुसरण करने वाला सनातनी, जो अनुसरण कर रहा है वो सनातनी है। कितना जरूरी है सनातनी होना? बहुत आवश्यक है। अगर आपको जिंदा रहना है। ये सवाल इसलिए, मैं जरा सा आपको ये कह दूं कि मैंने ये सवाल इसलिए किया, इसलिए नहीं कि मैं सनातनी हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा, आप सनातनी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी। जो सनातन है, चूंकि सदियों पुरानी ये अनुसरण करने की विद्या है जी, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। देखिए, सनातनी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको जन्म से बचपन से सिखाया जाता है प्रणाम करो जी, नमस्ते करो जी। घर में कोई आ गया, जाओ नमस्ते करो, जाओ प्रणाम करो। बिटिया है तो नमस्ते करके आओ, बेटा है तो प्रणाम करके आओ। मंदिर जाओ, जल चढ़ा के आओ। कुछ अच्छा हुआ, लड्डू खिलाओ,
लड्डू चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, माला पहनाओ, स्वागत करो, नमस्ते करो, आरती करो, सम्मान करो, और सनातनी नहीं हो तो बगरा काटो, खुद को काटो। जब जन्म हो तो जननेन्द्रिय काटो, थोड़े बड़े हो तो बकरा काटो, और थोड़ा और आगे बढ़ो तो खुद को काटो। हाय हुसैन हम न थे। सनातनी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सहिष्णुता को प्राप्त करते हैं। धर्म कुछ नहीं कर रहा है, धर्म आपके जीवन को निर्माण करता है। जैसे क्या केवल ईंट से दीवार बन जाएगी? नहीं, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, रेत चाहिए। वो जो व्यवस्था है किसी चीज के निर्माण की, उसका नाम धर्म है। देखिए, आपने सीमेंट की बात की, मुझे गारा की याद आ गई। हाँ, गारा वो अभी भी गा रही है, सीमेंट भी गा रही है। मैं आ रहा हूँ अपने सवाल पर कि हमारे पूर्वजों ने या मेरे दादाजी ने या परिवार के अन्य लोगों ने गारा संस्कृति को जाना जी। समय बदला, हम सीमेंट वाली संस्कृति में आ गए हैं। कॉन्वेंट की संस्कृति ने देश में आज जो स्थिति पैदा की है, मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने खुद कॉन्वेंट संस्कृति में पढ़ाई की है। मैंने महसूस किया कि मॉरल साइंस की किताब में मुझे मेरा सनातन धर्म नजर, चूंकि आज आपने मेरे मन को छू दिया है इसलिए ये सवाल मैं कह रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने मॉरल साइंस की किताब में सिर्फ कृष्णिज्म को पढ़ा। कैसे सर अलग होगा जो आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे अपने सनातन को समझेंगे? देखिए, शिक्षा में तो लाना ही पड़ेगा। जब आप पुरातन की किसी भी पद्धति को उल्टा करके देखोगे ना, तो उसका एक मीनिंग है। आपने कहा गारा, गारा जी, उल्टा करिए, रागा, राग। जब आप राग, क्या है राग? एक अनुराग है, प्रेम है। प्रेम से जोड़िए, क्या कह रहे हैं वो, निर्माण कीजिए, जीवन का निर्माण करिए, दीवार का निर्माण करिए, भवन का निर्माण करिए। पर क्या है, से गारा से यानी राग से यानी अनुराग से, प्रेम से करिए जी। प्रेम से मधे रहिए। पुराने घरों में प्रेम ज्यादा था, मरा मरा कहते कहते राम तक पहुंच जाओगे। हाँ जी, तो वो जानते हैं कि आप घूम फिर के जो भी कुछ कहेंगे उसमें कोई मतलब है, उसका कुछ मीनिंग है। इसी का नाम तो सनातन है। यहाँ कणकण में व्याप्त है संस्कृति। यहाँ नकल नहीं है, यहाँ अनुसरण नहीं है किसी का, कहीं से सीख साथ क्या है। यहाँ इतना अतिरिक्त है कि थोड़ा बहुत बह करके दूसरा एक अपने आप में धर्म बन जाए। इसके बावजूद जी इतना कुछ है सनातन संस्कृति में। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, मैगलन ने पूरी दुनिया की यात्रा की, चंद्रमा की खोज किसी और ने की, नासा वालों ने की, ग्रहों की खोज किसी और ने की, कहाँ पीछे चला जा रहा है सनातन? क्यों सर, ये तो वो वाली व्यवस्था है, गुड़ ना हिरानो गुड़ ग्राहक हिरानो है। लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं, जो हाथ में हो वो बड़ा छोटा लगता है, अप्राप्त वो लगता है जो मिल नहीं रहा हो। मतलब आप वास्तविकता में कहें तो ये वेदना है, ये दुख है, ये तकलीफ है अंदर की, कि लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं अपनी वास्तविकता को, अपनी निजता को, उन्हीं भगवान से मांगते हैं। आ जाएगा लाइन, आ जाएगा, कोई नहीं सर, वो वीडियो इस मेन, अब तो ये जरूरी है, ये चलते रहेगा। हाँ, अच्छा, उन्हीं भगवान से मांगते हैं और उन्हीं भगवान को उल्टा सीधा कहते हैं, उनकी बुराई कर रहे होते हैं। उन्हीं संतों के चरणों में जाकर के नमन करते हैं, वंदन करते हैं, कुछ मांगते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हीं की बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ हम अपने आप को, अपनी निजता को, अपनी स्वयमेवता को भूल गए हैं, तभी तो कमजोर हैं। आपको हनुमान जी की भक्ति में क्या सिखाया गया पता है? खुद को याद करो। हनुमान जी को याद नहीं करना था खुद को, उन्होंने आपके लिए बताया है, खुद को याद करो। तुम क्या नहीं कर सकते हो, यू कैन एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। कब? जब खुद को याद करो, तब खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप अपनी संस्कृति को, आप अपनी ताकत को, आप अपनी परंपराओं को न पढ़ते हैं, न सीखते हैं, न जानना चाहते हैं और ना ही समझ रहे हैं। चल रहा है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में आप जरा सोच कर देखिए, आप पर स्टेट गन रखा है, आपके पास बड़ा कोई बम रखा है, आपके पास कटार रखी है, आपके पास तलवार रखी है, पर युद्ध में आप चलाएंगे कैसे जब आप उसे लाए नहीं?
आप उसे यूज नहीं करते, आप उसको आप उसके उसे देखते ही नहीं है, तो आप तो युद्ध हार ही जाएंगे ना। एक आखिरी सवाल जी, शुरू से लेकर अब तक जो भी बातें मैंने सुनी जी, तो मुझे अभी ये तमाम लोग जो ये जो सामने कैमरे के जस्ट पीछे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो राम की अद्भुत लीला रामलीला का हिस्सा है, और कोशिश की थी हमने कि युवाओं के माध्यम से यहाँ पर रामलीला बनाए, और हमने बनाया भी, मतलब एक कोशिश की जी। तो उसमें मैंने मुझे एक प्रसंग की याद आती है कि नारद जी को शादी करनी थी और राजा की बेटी पसंद आ गई थी और उनका चेहरा जो मतलब बंदर की तरह हो गया था, जो ऋषि ने उनको जो वर दिया था, जो उनको तो लग रहा था कि मैं तो बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ, और वहां से एक व्यवस्था शुरू हुई राम के जन्म का, रावण के जन्म का या सीता के जन्म का। तो भारतीय संस्कृति के हर मुद्दे को मैं देखता हूँ, हर एक बात को सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नजर आती है जी। हर बात में मुझे कनेक्टिविटी दिखाई देती है, और ऐसा लगता है जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है, मैं भृगु संहिता की बात करूँ, मनुस्मृति की बात करूँ, क्योंकि मनुस्मृति को तो लोगों ने अजीब तरह से पेश किया, उनको पता ही नहीं है मनुस्मृति क्या है, या वेद को पढ़ता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ, तो मैं यही समझता हूँ कि लगभग करोड़ों साल पहले जो होने को है, बाद में जो होने को है, उसकी कहानी हमारे अपने धर्म ग्रंथों में नजर आती है, और ऐसा नहीं है कि कोई ये भविष्यवाणी जी, ये घटनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है, भविष्यवाणी नहीं है जी, वो नितांत सत्य है जी, नितांत सत्य है। आपका जो प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि हर चीज किसी किसी चीज से कनेक्ट होती है, रामायण की शुरुआत नारद जी के श्राप से हो रही है, श्राप से हो रही है। मैं आपको इसके इधर हटकर बता रहा हूँ जी, आप थोड़ा समझिएगा। हर चित्र कुछ कहता है, हर चित्र हर चरित्र कुछ कहता है। अरे वाह, क्या बात है। हर चित्र कुछ कहता है और हर चरित्र कुछ कहता है। उस चित्र को उस चरित्र में किसने क्या देखा, आप अगर ऐसे एक बार पूरे रूम में नजर घुमाएं और गिन के बताएं कि रेड कलर कितनी जगह पर है, तो आप एक बार ट्राई करिए, लाल कलर कुछ कम जगह पर ही है, कितनी जगहों पर है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सामने मरून है, मतलब वो ठीक है, मैरून कलर ही कितनी जगह है, अगर हम मैरून कलर की बात करें तो वो कितनी जगह पे होगा, कुछ दो चार पांच जगह बस, ये है तो अच्छे खासी है जी। हाँ। जब आप मैरून देख रहे थे तो आपने उस समय कहीं ब्लू देखा, ध्यान दिया उस समय नहीं, उस समय आपने कहीं ब्लैक देखा, ग्रीन देखा, व्हाइट देखा, आप जो देख रहे होते हैं आपको वही दिखाई पड़ रहा होता है, बाकी सब आप भूल चुके होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उन्होंने बाप रे सबको प्रणाम किया, पहले तो चींटी से लेके कुत्ते से लेके बैल से हाथी गधा कुकुर सबको नमन किया, सबको प्रणाम किया, चोरों को नमन, साहूकारों को नमन, कोई किसी को छोड़ा ही नहीं। फिर अंत में उन्हें लगा बाई चांस कोई छूट न गया, और इसलिए उन्होंने एक लाइन लिखी, स्वान्था सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो मैं गाथा लिख रहा हूं ये अपने लिए लिख रहा हूं, आप मत समझना, क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है आगे जाके अर्थ का अनर्थ होने वाला है। लिखने वाला अनर्थ हो ही गया था कुछ दिनों पहले की बात करूं, अनर्थ हो गया था। वो ताड़ना के अधिकारी सूद्र गमार सूद्र पसनारी, ढोल गमार सूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब अर्थ एक शब्द अनेक अर्थाः संस्कृत कहती है। अब तुम संस्कृत समझते नहीं, तुम भाषा को जानते नहीं, चाइनीज भाषा जिसको नहीं आता हो, और कोई चाइनीज सामने आके यहाँ करने लग जाए, चाइनीज कोई आए और अपना कुछ भी बोलना शुरू कर दे, आई होम हूं, तो क्या समझ आएगा क्या ही बोल रहा है वो। जिस भाषा का हमें भान नहीं है, जिस सब्जेक्ट का हमें नॉलेज नहीं है, उसकी ही वकालत करते कैसे हैं लोग। साहब ये जो चरित्र है ना नारद जी का, नितांत यौगिक चरित्र है, इसमें कोई बंदर नहीं है। ये रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखिए तार छेड़ा है बहुत जोरदार, ये रुकता क्यों नहीं है कि होलिका दहन है तो पौधे मत जलाओ, थोड़ी सी लकड़ी जला दो, चूंकि हमारे यहाँ पौधे जलाने की परंपरा तो है ही नहीं, हम तो सूखी लकड़ियां ही इस्तेमाल करते हैं, हम रंग से नहीं खेलेंगे, पॉल्यूशन होता है, हम दीपावली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पॉल्यूशन होता है, आखिर ये रुकता क्यों नहीं।
कोशिश लगातार, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ धर्म संसद की बैठक भी होती है, मैं खुद मैंने प्रयागराज में देखा है कुंभ मेले के दौरान, फिर भी रुकता नहीं है। ये आखिरी सवाल है आपसे और मुझे पता है कि आप बड़ा जोरदार जवाब देने वाले। नहीं नहीं, जोरदार तो कुछ नहीं है इस पे, इसपे तो एक्चुअली ठंडा जवाब है हमारा। अच्छा। ये रुकता क्यों नहीं, तो वो ठंडा ही बड़ा जोरदार, ये रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि हमें गर्त में जाना है, ये रुकता इसलिए नहीं क्योंकि हमें नष्ट हो जाना है, ये रुकता इसलिए नहीं कि सब बर्बाद कर फिर देना आपने है। शुरू में कहा कि संस्कृति तो सबसे पुरानी, ये रुकता संस्कृति ही हमारी सनातन। देखो हमारे यहाँ क्या है ना साहब, अगर एक बर्बाद करने वाला खड़ा है तो दो साइलेंट बैठकर उसे पोषित कर रहे हैं। देखिए हमारे हमारी परंपराओं में हम बहुत सौहार्दशाली लोग हैं। पॉल्यूशन जैसा चिंतन है तुम्हारा, हम पॉल्यूशन नष्ट कर रहे हैं। होलिका में कौन से वृक्ष जलाए जाते हैं, क्या हम जलाते हैं मालूम ही नहीं है आपको? जी बिल्कुल। जब आपको मालूम ही नहीं है और उस महीने में हम जलाते क्यों, वही महीना क्यों रखते हैं भाई? सबसे ज्यादा कीट पतंगे, सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा जो आपके शरीर शारीरिक रोग के लिए जो कीटाणु शुक्राणु उड़ रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा शारीरिक रोग बढ़ाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए जला रहे हैं। हमारी हमारी परंपराओं में विज्ञान है, हमारे वेद में विज्ञान छुपा है। केवल वेद नहीं है, वहाँ विज्ञान है। हम रंग नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन में रंग भर रहे हैं, हम गले लगते हैं, हम एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। अरे रंग तो एक बहाना है, एक्चुअली तो तुम्हें अपना बनाना है। जीवन में केवल उतना ही नहीं है, होलिका होलिका हो, हम दीपावली मनाते हैं, हमारे किसी भी पर्व को, एक पर्व को, केवल एक पर्व को जिस दिन रिसर्च कर लिया ना, उस दिन के बाद साधु बने मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, सबसे पहले वही कपड़े खोल करके नंगे घूम रहे होंगे जिस दिन एक भी पर्व समझ लिया। तो समझने की आवश्यकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक एक बेवकूफ इंसान को रबड़ी खिलाओ, बाहर वाले व्यक्ति को, किसी विदेशी को रबड़ी खिलाओ, जलेबी खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, रसमलाई खिलाओ, सोन पापड़ी खिलाओ, 10 तरीके की मिठाई खिलाओ और बोलो भैया कागज पे अलग अलग सबका स्वाद लिख दे, कैसा पाया? तो क्या कहेगा? इट वॉज गुड, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी 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 स्वीट। वो क्या कहेगा, कैसे कैसे बयान कैसे करेगा शब्दों में, वो कैसे समझ पाएगा उस मिठास को, उस अनुभव को कैसे जान पाएगा जिसे उसे पहली बार मिला है। सब अलग है, सब डिफरेंट है, सब यूनिक है अपनी अपनी जगह पर। हमारे पर्व पर्व नहीं है, परंपरा है और संस्कृति है। इसमें विज्ञान ओतप्रोत है, पूरा नाशा मिलकर के भी साहब एक किसी पर्व को समझ नहीं सकता पूरी तरह से। मेरी जानकारी है जी कि जनेऊ के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है जो आपको ब्रेन हेमरेज से बचाता है। यस, कभी आपने कभी नहीं सुना होगा किसी ब्राह्मण को, जनेऊधारी ब्राह्मण को ब्रेन हेमरेज से मरा हो, अगर वो जनेऊ का पालन कर रहा हो जी। आप नासा की रिसर्च गूगल करके देखिए, आपके राइट ईयर्स के पास में ये पॉइंट्स हैं जिनको दबने से आपको कभी भी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। वो जब आप जनेऊ बांधते हैं तो वो बनता है, और कब? जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तब, यानी प्रातःकाल जब आप फ्रेश होने जा रहे होते हैं, जितनी बार आप वॉशरूम जाते हो तो उतनी बार वो वहां प्रेश किया जा रहा है। अरे एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, यहाँ तो सभ्यताओं में सारी चीजें व्याप्त हैं। यहाँ आयुर्वेद, यहाँ एक्यूपंचर, यहाँ यहाँ भैया सारी पैथियों में सिंपैथी जुड़ी है। एलोपैथी, होम्योपैथी, ये पैथी, यहाँ सिंपैथी जुड़ी है सब चीजों में। उम्मीद करता हूँ कि अब की दिवाली जी चाइनीज लाइट में ही जलेगी, दिए ही जलेंगे, और वो तीसी के तेल में जलेंगे, सरसों के तेल में जलेंगे, और लोगों को ये जरूर समझ में आएगा जो आधुनिकता को ही अपनी संस्कृति मान बैठे हैं कि ये दिए इसलिए नहीं जलाए जा रहे हैं कि रोशनी करनी है, ये दिए इसलिए जलाए जा रहे हैं कि वो जो कीटाणु बारिश के बाद जो आए थे, जो कीट पतंग आए थे, उनको नष्ट करना है, जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। और उम्मीद ये भी करता हूँ मैं कि लोग वैलेंटाइन डे से आगे बढ़कर वसंत पंचमी मनाएंगे जो प्यार का हमारा प्रतीक है। उम्मीद करता हूँ जी, उम्मीद करता हूँ कि नवरात्र पर नया साल मनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जब सूर्य गर्मी के मौसम में जब वापस अपनी दिशा बदलेंगे तो फिर हम फिर एक बार संक्रांत मनाएंगे,
फरवरी जनवरी के महीने में तो हम संक्रांत मनाते ही हैं, चूंकि नई पीढ़ी मकर संक्रांति तो जानती है, लेकिन जो हम गर्मी जो जेठ के महीने में जो संक्रांत मनाते हैं वो भी जानना जरूरी है। जो नौतपा आता है उसमें हम जी नौतपा जी। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों से सनातन का अनुसरण होगा, सनातन को लोग धर्म नहीं समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति यूनिवर्सिटी को और संस्कृति देने वाले इस रेडियो स्टेशन को। आई फॉरगेट 91.2 FM रेडियो स्टेशन को, इसके सुनने वालों को, संस्कृति यूनिवर्सिटी को, यहाँ पढ़ने वालों को, सबको शुभकामनाएं। महादेव आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें, आपके जीवन में प्रेम बढ़ाएं। प्रेम है तो जीवन में सुख है, प्रेम नहीं है तो जीवन में दुख है। सबसे प्रेम से मिलो, प्रेम करो, प्रेम ही जीवन है, प्रेम भक्ति है और प्रेम परमात्मा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मैं चाहूंगा कि सावन का महीना है जी, एक बार हो जाए नमः पार्वती पतये नमः, बड़ा अच्छा लगेगा जी। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। क्या बात, धन्यवाद आपका। एक बार बस अपना नाम पूरा बोल दीजिए। मैं आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ जी।